बिस्मिल्लाहिर्रहमान नाज़रीन, आपका मेज़बान मुख्तार बुखारी इस वक्त ज़मान पार्क से हाज़िर ख़िदमत हूँ, जहाँ पे आज इमरान खान साहब की अपील पर आज रैली निकाली जा रही है। साहबजादा हामद रज़ा साहब और पीर तरीक़ा तराबर शरीयत साहबजादा मियाँ जिले में शरपुरी साहब के ज़मान पार्क में मौजूद हैं। उलमाए कराम का एक वफद भी डेलीगेशन भी यहाँ पर मौजूद है। मियाँ जिले में शरपुरी साहब यहाँ पर मौजूद है और साहबजादा हामद रज़ा साहब के कैंप के पास मौजूद हैं। आज जमीत पाकिस्तान न्याजी ग्रुप के मुजाहिद जनाब भट्ट साहब, मोहम्मद शफीक भट्ट साहब, जो अब्दुल साहब न्याय सरकार के तरबियत जाफ्ता है, शहीद है, उन्होंने भी आज इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान कर दिया। अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह, रहेगी सादा किताब कब तक, रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आजादे बाप होगा, जिन्होंने बस्ती को जान डाली अभी उनका हिसाब होगा, इंशाल्लाह वक्त आ गया है उनका हिसाब होगा। लाफी पप्पू मासूम साहब, अरस अली साहब, दिलीर अहमद साहब, सिर्फ खुशी फलों की हुक्म बाद हम यहाँ आए हैं। हम समझते हैं किस बुलंद के आज़ादी के लिए, जद्दोजहद के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हम के साथ है। और आज़ादी जो है वो चीज़ है, एक बड़े सिद्दीक़ पाक का एक बहुत बड़ा जवाब भी था, वो दूर से आया अल्लाह बकारी सिद्दीक़ हमारा था, जब उसको बड़ा हुक्म देखा चाहे ये पैसा कहाँ से आया, उन्होंने कहा तो मैं हिंदुस्तान का एक नवाब हूँ, उस बकारी ने पीक वापस कर दी और कहा कि एक आज़ाद कौम का अंडा बकारी गुलाम कौम के नवाब से पीक नहीं देगा, ये आज़ादी है, इसलिए हम इजाद कर रहे हैं। मैं साहब, आज आप शरकपुर शरीफ से काफिले की सूरत में ज़मान पार्क में इजारे यकजहती और इमरान खान साहब की रैली में आप तशरीफ़ लाए, शरकपुर से एक बड़ा काफिला लेके आए, सारा क्या होने जा रहा है? सुना है दफ़ा 144 पंजाब गवर्नमेंट फिर भी वो आपका काम कर दिया और रेंजर भी आ रही है। जो पंजाब गवर्नमेंट है वफाकी गवर्नमेंट है, ये इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है, बिशर्मों का एक टोला है, जिन्हें ना शर्म है ना यहाँ ना गैरत है, बेशक पढ़ने तरह के बेगैरत लोग हैं, इन्हें अकल ही कोई नहीं। भाई जमहूरियत तो ये है कि आवाम की बात सुने और आवाम की जो फैसला करे, ये बिल्कुल छपी जा रही मरियम की तरफ कंपनी को और ये राणा सुल्तान का जो आदि कातल है, कि अगर इमरान खान साहब को लोग मोहब्बत कर रहे हैं क्या हो जाएगा, इमरान खान साहब की बता दें कि दो भाई के साथ नहीं क्या हो जाएगा, फिर आप उनको फॉलो करें, अच्छे काम करें, शायद लोग आप भी प्यार करना शुरू कर दें। वजह इसके कि आप मार कुटाई और देखा पुष्टि और आपके निकले आगों में किए, आप अपनी हरकतें ठीक करें, जो लूटा हुआ पैसे वापस ले आए, शायद लोग आपके भी प्यार। मेरे साहब ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का रात को पीडीएम भी जो आपस में फटी हुई है, पीडीएम रात को कह रही है कि इमरान खान अगर रैली निकालना चाहता है तो उसमें रास्ते में रुकावट ना डाली जाए, अभी पीडीएम